मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रचार के लिए पीएम मोदी जी आए हैं, पीएम ने कोरी घोषणाएं की हैं, काम करके दिखाएं, राजनीति अपनी जगह है। इतना ही नहीं, नर्मदा का पानी गुजरात को मिलता है, झाबुआ को नहीं मिलता। झाबुआ को नर्मदा का पानी मिलना चाहिए और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ पर आए। इस दौरान उन्होंने राज्य के लिए 7,550 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, साथ ही कई सौगातें भी दी। झाबुआ से पीएम ने प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ दौरे पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 22% से अधिक आबादी वाला आदिवासी समुदाय है, डबल इंजन की सरकार से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं एवं यह अपेक्षा भी रखते हैं कि उसकी सुनवाई तत्काल हो, परंतु प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। विधानसभा सेशन के दौरान 13 फरवरी को हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी झाबुआ आ रहे हैं, उनका स्वागत है, और जो क्षेत्र की समस्या, आदिवासियों की समस्या है, उनका निश्चित तौर पर अगर वो वहां पर आ रहे हैं उसका निराकरण करना चाहिए। नर्मदा के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या बहुत लंबे समय से झाबुआ जिले में है। लगातार मुख्यमंत्री आते हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर जाते हैं, पर आज तक नर्मदा का पानी झाबुआ को नहीं मिला। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि नर्मदा का पानी अलीराजपुर जिले से होकर जाता है, पूरे गुजरात क्षेत्र उससे सिंचित है, पर झाबुआ जिले को आज तक पानी नहीं मिल पाया। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करूंगा कि उस पानी को झाबुआ तक लाने का वो कैसे ला सकते हैं, उसकी योजना बनाकर झाबुआ को पानी देना चाहिए। दूसरी बहुत बड़ा मुद्दा जो वहां पर है, मेडिकल कॉलेज का। हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, मेडिकल कॉलेज की झाबुआ में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आज जो उनका पूरा कार्यक्रम है, जनजातीय महाकुंभ है, पूरे जनजातीय जो आदिवासी साथी हैं, भाई हैं, उनके लिए वो वहां पर एक बड़ी सभा कर रहे हैं, तो एक मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है झाबुआ जिले में, इसको उनको पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को उनकी जमीन पर पट्टे नहीं मिल रहे हैं। भाजपा ने पैसा कानून को कमजोर बनाने का काम किया। अनुसूचित जनजाति के लिए बने सब प्लान का 207 करोड़ रुपए दूसरे विभाग को दे दिया गया। EMT न्यूज भोपाल।